नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वीकली करंट अफेयर की इस क्लास में स्वागत है। आप सभी को पता है कि जो कैलेंडर है वो जारी हो रहे हैं और पेपर जो है वो धीरे धीरे होने ही वाले हैं। आपके जितने भी कॉम्पिटिशन के हैं, चाहे वो SSC के हों, चाहे किसी के भी हों, है ना, CDS से रिलेटेड कुछ भी हो, तो सबके लिए करंट अफेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती होती है। तो मैंने करंट अफेयर बनाना शुरू किया है अभी आपके लिए, है ना। तो अब आप ध्यान से देखिए, अभी इसमें जो मैं कवर करूंगा वो 31 मई से लेकर के 5 जून तक का करंट अफेयर है। तो सारे इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके सामने करूंगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के फुटबॉल एशियाई कप, देखिए ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन है जिन पर ज़्यादातर ध्यान नहीं रहता है ना। फिर से बोल रहा हूँ आपसे, महिलाओं के फुटबॉल एशियाई कप 2022 की बात हो रही है, 2022 की मेज़बानी का अधिकार हासिल कर लिया है। तो ये भारत ने कर लिया है, अभी मीटिंग हुई थी तो उसमें भारत ने इसे अपने पक्ष में कर लिया है और अब इसकी मेज़बानी जो है एशियाई कप की, महिलाओं के फुटबॉल की, वो अब भारत करने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लीजिए। अभी आप देख रहे होंगे कि एक अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन है ना चल रहा है, उसके जिसके जिसमें संबोधन जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, तो उसी के बारे में ये है, वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन। आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो बिल्कुल अच्छे सुन लीजिए, वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन, बहुत क्लियर सुनिए इसको। ये किसके द्वारा आयोजित की जा रही है? तो याद रखिए दोस्तों, ये आयोजित की जा रही है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, है ना, ये आयोजित कर रहे हैं इसे। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। दो चीज़ें आपने देखी, अगला है दोस्तों और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये एक तरह की वीडियो ब्लॉगिंग है। तो प्रश्न ये है कि माय लाइफ माय योगा इंटरनेशनल वीडियो ब्लॉगिंग प्रतिस्पर्धा किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित की जा रही है? तो ये आयुष मंत्रालय आयोजित कर रहा है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, है ना, क्योंकि कहीं कन्फ्यूज़ हो सकता है, क्योंकि योगा वगैरह तो कहीं आपको ये ना लगे खेल वगैरह इस चीज़ें, है ना, तो हो सकता है कन्फ्यूज़ होने लगे। तो याद रखिए, आयुष मंत्रालय से ऑर्गेनाइज करा रहा है ये एक वीडियो ब्लॉगिंग के थ्रू है, यानी वीडियो के थ्रू ही सब कुछ होना है, वीडियो ब्लॉगिंग में ही होना है सारा कुछ, है ना, आपको योगा वगैरह करके जो भी है। तो ये प्रतिस्पर्धा है, इसको ऑर्गेनाइज किया है आयुष मंत्रालय ने और इसमें दुनिया के सारे, कोई भी छात्र, कोई भी बंदा बंदी भाग ले सकते हैं, लिखा ही है ना इंटरनेशनल, आपको ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि मन की बात में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस प्रतिस्पर्धा का जिक्र किया था, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, मेन याद रखना है कि आयुष मंत्रालय करा रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस देश ने 960 विदेशी नागरिकों को 10 साल के लिए यात्रा करने से बैन कर दिया है? ये बहुत बड़ी बात है कि 960 विदेशी नागरिकों को 10 साल के लिए बैन कर दिया, ये भारत ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि भैया 960 ये वो विदेशी नागरिक हैं जो कि ब्लैक लिस्टेड है, हमारे गृह मंत्रालय ने इन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया। अब आप बोलेंगे सर ब्लैक लिस्टेड क्यों करके रखा हुआ है, तो ध्यान से देखिए, ये 960 वो लोग हैं जो कि तबलीगी जमात में की गतिविधियों में शामिल थे, है ना, उसमें पाए गए थे ये, तो इसीलिए इनकी पहचान करके ब्लैक लिस्टेड करके इनको बैन कर दिया कि इंडिया में अब यात्रा करना नहीं अगले 10 सालों तक। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आएंगे तो ये इसीलिए आते किसी और बहाने से और फिर चले जाते तबलीगी जमात वगैरह जिस चीज़ों में, है ना। और आपने देखा तबलीगी जमात ने कोरोना के मामले बढ़ाने में कितनी ज़्यादा जो है हेल्प कर दी थी और ये बहुत बुरी बात थी, है ना, आपको पता ही इस बात, तो इसीलिए इनको बैन कर दिया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, तो याद रखना भारत ने ऐसा किया और ये पहली बार ऐसा किया है, भारत ने इससे पहले कभी किया नहीं है। ट्यूलिप क्या है? ये ट्यूलिप आप बहुत बार सुन रहे हैं, तो ये हमारे विमानन मंत्री और हमारा विमानन मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय और क्या कहना चाहिए आपके मानव संसाधन मंत्रालय, है ना, HRD मिनिस्ट्री, इन सब ने मिलकर संयुक्त रूप से ट्यूलिप को स्टार्ट किया है। ट्यूलिप है क्या? ट्यूलिप एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है, ना, एक वेबसाइट है। तो इसमें होगा क्या भैया, ये क्या काम करेगा? देखिए दोस्तों, ये वेब आधारित पोर्टल जो है इसका उद्देश्य ये है कि ये इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप देगा, है ना, उनको उपलब्ध कराएगा ताकि उनके पास इंटर्नशिप हो और इंटर्नशिप होगी तो वो कंपनी तक पहुंच बना पाएंगे, जा पाएंगे, जॉब ले पाएंगे, समझ पा रहे हैं आप। तो ये उस लिए ट्यूलिप बनाया गया है, है ना। आपसे ट्यूलिप पूछा जा सकता है कि किस फील्ड से जुड़ा हुआ है, किस स्ट्रीम से जुड़ा हुआ है, तो याद रखिए इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है, डॉक्टरी से जुड़ा हुआ नहीं है और ना ही बाकी किसी और चीज़ से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में ऐसे किसान लिख दे, है ना, फॉर फार्मिंग, फॉर इंजीनियरिंग, फॉर डॉक्टरी, दुनियादारी से लिख सकता ऑप्शन, तो कंफ्यूज ना होइएगा। ट्यूलिप सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप देने के लिए एक वेबसाइट है, पोर्टल है, प्लेटफॉर्म है, क्लियर है, HRD मिनिस्ट्री के द्वारा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। तो दोस्तों इस बार जो तहलका मचा दिया है बैनर्जी, चटर्जी और मुखर्जी, ये तीन नाम याद रखिए, बैनर्जी के बारे में अभी बता रहा हूँ, अभी चटर्जी के बारे में बताऊंगा, फिर मुखर्जी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। क्या है? अब देखिए, पीके बैनर्जी, है ना, पीके बैनर्जी, ये पी यानी कि प्रदीप कुमार बैनर्जी,
क्या न्यूज है, क्या बात है दोस्तों इसमें? देखिए क्वेश्चन ये है कि हाल ही में पीके बैनर्जी का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? दोस्तों पीके बैनर्जी जो थे वो बहुत महान फुटबॉलर थे और इंडिया के थे, सबसे बड़ी बात तो है ना ये देखिए। और सिर्फ फुटबॉलर ही नहीं थे इंडिया के, ये भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान हैं और कोच थे, 83 साल के थे। अभी अभी इनका निधन हो गया, तो आपको बिल्कुल याद रखना क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, पीके बैनर्जी किस फील्ड से जुड़े हुए थे, तो याद रखिए फुटबॉल से जुड़े हुए थे। और इतना ही नहीं, यहाँ देखिए भारतीय फुटबॉल का इन्हें पहला आइकन माना जाता है, तो क्वेश्चन तो यही बन सकता है जो मैंने नीचे लिख दिया है आपके लिए कि भारतीय फुटबॉल का पहला आइकन किसे माना जाता है। ऑप्शन होगा और वही कौन सा होगा, पीके बैनर्जी। और यहाँ भारतीय फुटबॉल लिखा है ना, विश्व फुटबॉल नहीं लिखा हुआ, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए कि भारत के फुटबॉल का पहला आइकन पीके बैनर्जी को माना जाता है। भाईचंद भूटिया भी होगा लेकिन वो नहीं है वहाँ पर, ये ध्यान सुनिए, क्लियर है दोस्तों? चलिए बढ़िया। और दूसरी बात ये कि इनको 1961 में अर्जुन अवार्ड मिला था, 1990 में पद्मश्री अवार्ड भी इनको मिल चुका है। यहाँ तक कि फीफा, आप सभी जानते हैं, फीफा ने इन्हें 2004 में शताब्दी ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया था, शताब्दी है ना, ऑर्डर ऑफ मेरिट तक प्रदान कर चुके हैं, इसीलिए ये पहले आइकन है हमारे यहाँ के, क्लियर है दोस्तों? तो अब खेल की ही बात हुई है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण यानी कि गांव और जनजातीय खेलों, ये देखिए दो चीज़ों की बात करी गई है और आप जब इन्हें क्लियर देखेंगे ना तभी आपको समझ में आएंगे। एक ग्रामीण और जनजातीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है, मतलब हमें अगर ग्रामीण, क्योंकि सरकार ग्रामीण के खेलों को भी जो है बढ़ावा दे रही है और जो जनजातीय हैं उनके पास भी बहुत सारे खेल होते हैं तो उनके भी खेलों को बढ़ावा दे रही है, तो कौन सी योजना के तहत किया जा रहा है? ये किया जा रहा है खेलो इंडिया योजना, आपने सुना भी होगा, तो याद रखिए खेलो इंडिया में ये नहीं कि कोई अंतर्राष्ट्रीय तो यहाँ वहाँ से उठा रहे हैं, ये सिर्फ दो लोगों को उठा रहे हैं और वो है ग्रामीण और जनजातीय, है ना, इनके खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया योजना शुरू की गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, खेलो इंडिया योजना जिसके बारे में आप जान चुके हैं के तहत ग्रामीण और जनजातीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए कितने खेल विधाओं की पहचान की गई है? अब क्या है कि बढ़ावा देना है तो बढ़ावा देने का मतलब क्या होता है कि भाई जितनी जनजातियां उनमें जो बहुत महत्वपूर्ण खेल होंगे उनको उठाओ और हाईलाइट कर दो, ऐसी ग्रामीण में कुछ बहुत महत्वपूर्ण खेल होंगे तो वो खेल पता करो और उनको हाईलाइट कर दो। तो वो यही पूछ रहे हैं कि जो खेलो इंडिया शुरू किया गया है जिसके तहत हम ग्रामीण और जनजातीय खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं तो अभी कितने जो हैं कितने खेलों खेल विधाओं की पहचान कर ली गई है। तो दोस्तों ये चार खेलों की विधाओं की पहचान कर ली गई है, वो चार खेल कौन से हैं आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाने चाहिए। एक है मलखम, दूसरा है क्लारी पयाडू और दूसरा है गतका और चौथा है थंगटा। रिपीट करता हूँ, मलखम, क्लारी पयाडू, गतका, थंगटा, ठीक है, ये चार खेल है ना खेलो इंडिया ने अभी अभी जो है खेल विधाओं की पहचान की है इनकी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों है ना कि हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलने का फैसला लिया गया है, उसका नया नाम क्या रखा गया है? तो उसका नया नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक, ये बिल्कुल याद रख लीजिए। अब कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल गया है और अब उसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया गया है, ठीक है। मैंने कहा था ना मुखर्जी भी आएंगे, अभी आपने बैनर्जी देखे, मुखर्जी देख लिया, अब चटर्जी भी देखना थोड़ी देर में, ठीक है, याद रखो बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आवश्यक वस्तु अधिनियम, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कहते हैं इसे, के संशोधन में संशोधन करके किन आवश्यक वस्तुओं को इसमें हटा दिया गया? देखिए जब हमारे पास अभी आपदा लगी थी, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जब लागू हो गया था, आप सभी को पता ही है ना, लॉकडाउन वगैरह जो चल रहा था, हमारा आपदा चल रही थी जो कोरोना नाम की, तो उसमें भी आपने सुना था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम लाया गया था, लेकिन उसमें दो चीज़ें जोड़ने के लिए लाया गया था, और आवश्यक वस्तु अधिनियम में दो चीज़ें जोड़ दी जाती है फिर उनको अनिवार्य, मतलब उनका जो है न दाम बढ़ाया जा सकता, जो दाम तय होगा बस वही रहेगा, है ना। तो वो दो कौन से थे? एक तो भैया सैनिटाइजर था और दूसरा आपका मास्क था, ये पता ही है आपको, ये दो चीज़ों का उत्पादन इसमें रखा गया था। अब इसमें से हटा दिया गया है कुछ, तो क्या हटाया गया है ना, अब देखिए जरा, अब ये आवश्यक वस्तु अधिनियम से अगर किसी चीज़ को हटा दिया गया मतलब वो वस्तु अब अनिवार्य नहीं रहेंगे, है ना। तो वो देखिए जरा इनकी लिस्ट आप बिल्कुल अच्छे से बना लीजिए, कौन कौन सी चीज़ें, एक अनाज, एक दालों को और एक तिलहन, एक खाद्य तेलों को, एक प्याज और एक आलू, ठीक है। अनाज हट गए, दाल हट गए, तिलहन हट गई, खाद्य तेल हट गया, प्याज हट गया, आलू हट गया, ये सारे पहले अनिवार्य यानी कि अनिवार्य थे, यानी आवश्यक वस्तु में आते थे, लेकिन अब इन्हें यहाँ से हटा दिया गया है। हटाने के पीछे का रीज़न ये है कि दोस्तों कि इनके हट जाने से अब किसान जो है आज़ाद है, वो कुछ भी उगा सकता है और वो उगाएगा जिससे उसे मुनाफा होगा। तो क्योंकि उनकी स्कीम भी है कि 2025 तक भैया किसानों की आय जो है वो डबल करनी ही करनी है, तो उस दिशा में कार्य करते हुए उन्होंने इसका फैसला लिया है, ठीक है दोस्तों, और इसके दूरगामी परिणाम भी होंगे। चलिए दोस्तों, तो ये तो हो गया
ये एक क्वेश्चन मैंने ऐसे ही रख दिया यहाँ पर कि जॉर्जिया की राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, क्योंकि फीमेल है तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ना। तो सारे देश के तो आपको नहीं है नहीं याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ कुछ जैसे कि कहीं कोई महिला बनी है तो आपको ये ज़रूर याद होना चाहिए, है ना। वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम हो सकता है, तो उस हिसाब से भी लिहाज से भी पूछा जा सकता है। तो आपको इतना याद रखना है कि पूछा जाए कि सलोम ज़ोरा विक्विली कौन है, तो याद रखिए ये जॉर्जिया की राष्ट्रपति, तो इनके तो नाम में ही है ज़ोरा, तो जॉर्जिया तो आप जोड़ी सकते हो, ज़ोरा जॉर्जिया, इतना ही याद रख लो बहुत है। सलोम वगैरह याद दिया था तो कोई बात नहीं, जाने दो उसको आप, है ना, ज़ोरा जॉर्जिया ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है वंदे भारत मिशन ये किस से जुड़ा हुआ है, बहुत बहुत हाईलाइटेड है ये। वंदे भारत मिशन क्या है दोस्तों? ये भारतीय नागरिकों को विदेश से सकुशल वापस लाने से जुड़ा हुआ है कि जितने भी हमारे भारतीय नागरिक विदेशों में फंसे हुए हैं तो उनके लिए जो है ये बनाया गया है ना, वंदे भारत मिशन। और आपको मालूम है ना कि अभी अभी हमारा जो INS ना, अभी अभी आपने सुना होगा हमारा INS कौन सा, जलाश्व, INS जलाश्व, ये अभी अभी गया था मालदीव की राजधानी माले और वहाँ से बहुत सारे लोगों को लेके आए। INS जलाश्व नौसेना भारतीय नेवी का जलपोत है और ये हमारे वहाँ से बहुत सारे नागरिकों को निकाल करके ले आया है, है ना। तो आप याद रखिए ये जो चल रहा है ना INS से निकालना, इसे कहते हैं क्या, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं समुद्र सेतु ना, समुद्र सेतु जो चल रहा है, तो इस समुद्र सेतु के तहत लेकर के आए हैं। समुद्र सेतु काम करता है वंदे भारत मिशन के तहत, यानी आसान भाषा में आप इतना समझ लीजिए कि हवाई जो मतलब बाहर से विदेशों से लेकर के हवाई यात्रा से आ रहे हैं ना, तो वंदे भारत मिशन है। और वहीं जब आप पानी से लेकर के आ रहे हैं तो वंदे भारत मिशन के तहत ही चल रहा है समुद्र सेतु, ठीक है, समुद्र सेतु चल रहा है। तो समुद्र सेतु में आप समुद्र के रास्ते से उनको लेकर के आ रहे हैं, है ना, और बाकी इधर से आप इनको ऊपर से लेकर के आ रहे हैं, बस इतना अंतर होता है दोस्तों, है तो दोनों एक ही चीज़। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, वंदे भारत मिशन किससे जुड़ा हुआ है? वंदे भारत मिशन के तहत कौन सा विमान कंपनियां संचालित हो रही हैं? अब देखिए, क्योंकि बाहर से लेकर के आ रहे हैं हम उन्हें, तो कोई विमान कंपनियां तो कार्य कर ही रही होंगी, तो कौन कौन से दोस्तों याद रखिए, एक एयर इंडिया ने ये काम किया और दूसरा एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, एयर इंडिया और एयर इंडियन एक्सप्रेस, ये दो विमानन हैं जो लगातार उनको लेकर के बाहर से आ रहे हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न दोस्तों स्वदेश, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जब ट्यूलिप पढ़ा रहा था जिसमें इंजीनियरिंग इंटर्नशिप करवाई जा रही है, तो अब मैंने वहीं पर बताया था स्वदेश के बारे में, तो स्वदेश नाम आ ही गया। स्वदेश नाम से एक पहल की गई है, मतलब स्वदेश नाम की पहल की गई है, ये स्वदेश क्या है? तो स्वदेश क्या है दोस्तों याद रखिए, ये एक डेटाबेस है, इसे वेबसाइट मत कह देना, ये एक डेटाबेस है, इसमें विदेश से लौटे भारतीय नागरिकों की हुनर और कौशल का डेटा रखा गया है, समझ पा रहे हैं आप, है ना। इसमें डेटा किसका रखा गया है, इसमें उनके हुनर का डेटा क्यों रखा गया है, ये क्या बन रहा है दोस्तों? अब देखिए, जब आप विदेशी जो नागरिक हैं, भारत के नागरिक जो विदेश में हैं, जब उनको उठा उठा के लेकर के आ रहे हो, तो उनकी नौकरी भी तो छूट रही है ना वहाँ से, क्योंकि वो वहाँ क्यों थे, घूमने फिरने के लिए तो नहीं थे, वो वहाँ पर थे भैया क्योंकि जॉब करते थे। अब आप जब यहाँ ले आएंगे और इनका जाने का मन नहीं है, तो इनमें कुछ तो कला है, अब इनकी कला सामने कैसे आए, एक एक से तो पूछा नहीं जा सकता है, इसीलिए क्या कर रहे हैं हम, एक डेटाबेस तैयार कर देते कि भाई जो भी आ रहा है उससे काम करेंगे, वहीं के वहीं एंट्री ले लेंगे कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है, तो अब उसके कौशल का इस्तेमाल हम अपने में करेंगे, समझ पा रहे हैं, क्योंकि अब हमने देख ही लिया मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब नारा दे ही दिया है, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, है ना। अब यही बनाओ और ऐसा कुछ बनाओ जो वर्ल्ड के काम आ जाए, तो वर्ल्ड के काम आने के लिए हमारे वर्ल्ड से सारे जो नागरिक वापस आ रहे हैं, इनके पास कुछ ना कुछ तो कुशलता होगी, तो बहुत सोच समझ के वो काम किया जाता है, वो ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलते हैं, जब वो तैयार होते हैं तभी वो चीज़ बोलते हैं। तो ये देखिए स्वदेश जैसी चीज़ें जो हैं वो इसीलिए हैं कि स्वदेश आइए भैया, अब ना अब इनके दिमाग का इस्तेमाल किया जाएगा, तो इनके सारे डेटा यहीं पर रखे जा रहे हैं, बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं हुए। ट्यूलिप भारत में रहने वाले जितने भी पढ़े लिखे इंजीनियर हैं उनकी इंटर्नशिप कराएगा, स्वदेश विदेश से आने वाले नागरिकों का डेटाबेस है, क्योंकि वो अब नौकरी छोड़ करके आ रहे हैं, तो उन्हें जो है अपने यहाँ भारत में उनकी कुशलता का इस्तेमाल हो सके, तो उसका डेटाबेस है और वो एक वेबसाइट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है कि स्वदेश की पहल किसने की है, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वदेश की पहल आखिर की किसने भैया, कौन लेकर के आया स्वदेश को? तो याद रखिए दोस्तों, तीन मंत्रालय की संयुक्त पहल है ये, जब अपन PSC लेवल पर बात करते हैं तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है, जब आप छोटे मोटे एग्जाम्स की बात करेंगे तो वहाँ पर वो खत्म हो जाएंगे, ये CDS लेवल होते हैं,
है ना, ये पीएससी यूपीएससी लेवल होते हैं, जब वो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखेंगे ना तो प्री में आपको दिख जाएंगे कि आयुष स्वदेश मंत्रालय इनमें से किस मंत्रालय का हिस्सा नहीं है, या फिर इनमें से किस किस मंत्रालय का हिस्सा है, तो चारों मंत्रालय लिख देंगे, फिर आपसे नीचे ऑप्शन पूछेंगे ए बी सी, क्या तीनों मंत्रालय जुड़े हुए हैं, बी सी डी, या इनमें से सभी, या इनमें से कोई नहीं, तो आप समझ पा रहे हैं ना। तो क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्स की, ठीक है। तो मैंने उसका भी ध्यान रखा हुआ है आपको करंट अफेयर में। तो देखिए दोस्तों, तीन मंत्रालय कौन कौन से हैं। पहला मंत्रालय है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, और इसके जो प्रमुख हैं वो हैं डॉक्टर महेंद्र पांडे, है ना, यानी ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं ये। दूसरे हैं हमारे नागर विमानन मंत्रालय, और ये हैं हमारे मंत्री हरदीप पुरी, ठीक है। तो इनके मंत्री भी मैंने लिख दिए ताकि आपको वो भी याद हो जाए। और एक है विदेश मंत्रालय, तो विदेश मंत्रालय के तो जयशंकर जी आपको मालूम है, ये पहले विदेश सचिव थे, फिर इनको अब विदेश मंत्रालय ही दे दिया गया, विदेश मंत्री ही बना दिया पूरा का पूरा। क्लियर है दोस्तों, है ना। तो आप समझ गए ना, तीन मंत्रालय, कौशल विकास, नागर विमानन, विदेश, विदेश के जयशंकर, विमान के हरदीप, और कौशल विकास के महेंद्र पांडे, ये तीन लोग हैं मंत्री। चलिए, और इनके संयुक्त पहल थी वो स्कॉट मॉरिसन, ये किस देश के पीएम है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, और आपको मालूम है हमने पहला वर्चुअल जो है कॉन्फ्रेंस जो है इनसे सबमिट, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस सबमिट जो हुई है, ये भारत की सबसे पहली वर्चुअल कॉन्फ्रेंस सबमिट है, है ना, तो जो द्विपक्षीय सबमिट है उसमें, तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ ही हमने की, और मॉरिसन के साथ ही हुई है, आपको मालूम है ये बात अभी हुई है। अगला है प्रश्न दोस्तों, तो आपको याद रखना ऑस्ट्रेलिया के जो है वो मॉरिसन है। अखिल भारतीय रियल टाइम बाजार, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, अखिल भारतीय रियल टाइम बाजार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, ये समझ ही नहीं आएगा ये क्या है, कौन सा है ये बाजार, तो याद रखिए दोस्तों ये बिजली क्षेत्र से जुड़ा हुआ बाजार है। अब जब भी बाजार वर्ड आए तो आपको क्लियर तो हो ही गया होगा कि यहाँ क्या होने वाला है। बनी बात है, अगर बिजली क्षेत्र का बाजार है तो बिजली की ही खरीद फरोख्त होगी, तो बस वही हो रहा है यहाँ पे, नीलामी होगी बिजली की, है ना, इससे बिजली के जो है खपत जो है सीमित होगी और थोड़े से कायदे में आएगी, वरना कोई भी कुछ भी करता था। तो अब देखिए इसमें, हाँ तो वही खरीदने बेचने के लिए एक तरह से बोली लगेगी, इसमें बोलियाँ लगती हैं, ये देखिए बोलियाँ लगेंगी यहाँ पे बिजली खरीदने की। किसने शुरुआत की है इसकी, इसकी शुरुआत की है केंद्रीय ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय, ये मंत्रालय का नाम है, केंद्रीय ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने की है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, मैंने ये भी लिख दिया किसने की है, और मेन तो आपके लिए बिजली क्षेत्र है, क्योंकि क्वेश्चन जो बन सकता है वो यही बन सकता है, ठीक है ना, मंत्रालय वगैरह ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, पर फिर भी लिखना ज़रूरी है और आपको पता होना भी ज़रूरी है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र, नाउ कम टू द इंटरनेशनल न्यूज़, अब इंटरनेशनल पर आ ही गया आप धीरे धीरे। संयुक्त राष्ट्र का वर्ष 2019 का, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये 2020 चल रहा है और ये 2019 की बात कर रहा है, वर्ष संयुक्त राष्ट्र का वर्ष 2019 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार किसने जीता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार किसने जीता है। अब आप सोचेंगे इतने इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, क्योंकि इसे जीता है किसने, भारत और ब्राजील की महिला शांति सैनिकों ने, ये शांति बनाने वाली टीम बनाई जाती है यूएन के द्वारा, तो उसमें भारत की आर्मी की जो मेजर हैं सुमन गवनी, ये ध्यान से सुन लीजिए नाम बिल्कुल याद रखिए, ये इन्हीं को मिला हुआ है, इसलिए याद रखिए और इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि यूएन ने 2019 का जो मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार है वो भारतीय सेना की मेजर सुमन गवनी को दिया हुआ है, और साथ में क्योंकि इनके साथ ही काम कर रही थी ना महिला शांति सैनिक टीम बनी थी, तो उसमें ये भारतीय सेना भी थी, उसमें ब्राजील की भी सेना थी, तो उसमें जो दो महिलाएं थी उनको चुना गया है देने के लिए, तो एक महिला तो हमारे भारतीय सेना की सुमन गवनी को चुना गया, और दूसरा चुना गया है ब्राजील की नौसेना यानी कि नेवी की कमांडर है कार्लो अरुजो, है ना, कार्लो अरुजो, तो सुमन गवनी मेजर इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी की कार्लो अरुजो, इन दोनों को ही मिला है मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार, वो भी 2019, माइंड इट, क्लियर है दोस्तों। और ये महिला शांति सैनिकों की टीम में थी, है ना, हम भेजते रहते हैं अपनी टीमों को यूएन में और यूएन फिर भेजता है इन्हें वहाँ जहाँ पे अशांति फैली हुई है, तो शांति फैलाने के लिए। चलिए दोस्तों अगले में, अब आपने बहुत बार MSME सुन लिया है, है ना, होप्स हो कि आपको इनका फुल फॉर्म बिल्कुल पता ही होगा, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखिए, ठीक है। MSME से क्या तात्पर्य है, सबसे पहले तो यही, तो आपको सब बिल्कुल बराबर याद होना चाहिए कौन सा M कौन सा था, ये नहीं कि आप पहले वाले को कुछ बोल दें और दूसरे वाले को कुछ बोल दें, पहला वाला M माइक्रो है और दूसरा वाला M मीडियम है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है कि पहले M को क्या कहते हैं या तीसरे M को क्या कहते हैं, है ना, यही जब ज़्यादा पता होता है तो क्वेश्चन ऐसे ही थोड़ा सा चेंज कर देगा और
बात वहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो पूरा फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, अगली बात, अगला क्वेश्चन, एमएसएमई मंत्रालय कब बनाया गया था? तो दोस्तों ये बनाया गया था 2007 में। ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। अब माइक्रो इंडस्ट्री, अब देखिए क्या हुआ है कि अभी अभी इनकी इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर में कुछ ना कुछ जो है एक सीमा रखी गई है, तो क्वेश्चन आपसे आ सकता है। और क्योंकि हमारे पास तीन है यहाँ पर, देख रहे हैं, तीन इंटरप्राइजेज है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम, तो माइक्रो के लिए अलग इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर रखा गया होगा, स्मॉल के लिए अलग इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर रखा गया होगा, और मीडियम के लिए अलग इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर रखा गया होगा। आपको तीनों पता होना चाहिए क्योंकि तीनों ही बहुत ज़रूरी हैं आपको मालूम होना। जैसे कि क्वेश्चन है, माइक्रो इंडस्ट्रीज, याद है ना, पहला एम के लिए इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर कितना रखा गया है? तो याद रखिए, माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ है और जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए कितना रखा गया है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ और टर्नओवर है 50 करोड़। ठीक दोस्तों, इस तरह से मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए कितना रखा गया है भैया इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर? तो मीडियम के लिए इन्वेस्टमेंट है 50 करोड़ और टर्नओवर है 250 करोड़। क्लियर हो गया दोस्तों, बढ़िया। अगला प्रश्न है, एमएसएमई की मदद करने के लिए किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है? वन ऑफ द अगेन इंपॉर्टेंट, आपने तीन तरह की चीज़ें देख ली हैं, ट्यूलिप, स्वदेश और अब आ जाइए चैंपियंस। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ट्यूलिप बना है इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग इंटर्नशिप के लिए। ठीक है, स्वदेश बना हुआ है बाहर से, विदेश से आए नागरिकों का डेटा बेस है ये, ट्यूलिप एक वेबसाइट है और ये डेटा बेस है, इसमें डेटा रखा गया है उन कुशल लोगों का। और चैंपियंस जो है ये एमएसएमई है ना, एमएसएमई के लिए पोर्टल बनाया गया है। एमएसएमई क्या होता है, बहुत छोटे छोटे व्यापार हैं, तो उनको सबको इकट्ठा करने के लिए चैंपियंस बनाया गया है ना, ये भी एक प्लेटफॉर्म ही है दोस्तों, बिल्कुल सही, ये एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है, चैंपियंस ही मतलब क्या है, तो पूछ लिया जाएगा ना, चैंपियंस का तात्पर्य क्या है, चैंपियंस बताइए दोस्तों। चैंपियंस का फुल फॉर्म है, मोदी सरकार याद रखिए, जब भी ऐसे बड़े बड़े नाम दे तो समझ जाओ कि उसका फुल फॉर्म तो होगा ही होगा, और चैंपियंस का आपको पता होना चाहिए। मैं आपके सामने बिल्कुल लाइन से और आराम से पढ़ रहा हूँ, सी का मतलब क्रिएशन, एच का मतलब हारमोनियस, तो क्रिएशन एंड हारमोनियस, ए का मतलब एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस है ना, एम का मतलब मॉडर्न, पी का मतलब प्रोसेस, तो क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर, ये देखो आई का मतलब इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग दी आउटपुट, ताकि हम आउटपुट बढ़ा सके, और क्या बढ़ा सके भैया, नेशनल स्ट्रेंथ, तो ये एन पे खत्म हो गया ना, नेशनल स्ट्रेंथ ले रहे दोस्तों, नेशनल पे खत्म नहीं हुआ याद रखिए, यहीं पे एन है लेकिन पूरा लिखना है नेशनल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो पूरा पढ़ लीजिए, क्रिएशन ऑफ हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग दी आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, ये है चैंपियंस का फुल फॉर्म। आप सब कुछ भी इतना लंबा तो बनी बात है, आपको पता है कि इतना फुल फॉर्म लंबा सा नहीं लिखा मिलेगा है ना, जब तक ये यूपीएससी का प्रीलिम्स ना हो, या फिर पीएससी के भी प्रीलिम्स में इतने लंबे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, हाँ लेकिन सीडीएस के पेपर में इतने लंबे ऑप्शंस बिल्कुल रख सकते हैं, इसलिए आप अगर सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे नहीं छोड़ेंगे। बाकी लोगों को जो जैसे कि एसएससी वगैरह के जो हैं है ना, ये इनको क्या ध्यान रखना है, इनको ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे एसएससी से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनके पास यही क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें एम का मतलब क्या है ना, इसमें ये ए का मतलब क्या है, तो चार ऑप्शन दे देंगे, ए लिख देंगे कहीं पर, एसोसिएशन कहीं पर है ना, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ लिख देंगे, और एप्लीकेशन, तो आपको याद रखना है कि फिर इसके फुल फॉर्म में ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा कि सी मतलब क्रिएशन है, एच मतलब हारमोनियस है, ए मतलब एप्लीकेशन है, फिर मॉडर्न प्रोसेस इंक्रीजिंग और आउटपुट और नेशनल। क्लियर है दोस्तों, चलिए बढ़िया है, आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों प्रश्न हमारे पास, भारत में बायोमेडिकल रिसर्च का काम कौन करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्यों इंपॉर्टेंट है पहले आप देख लीजिए, कोरोना के चलते आपको मालूम है हम लोगों ने दवाइयाँ वगैरह जो है वैक्सीन पर सबने काम किया, तो ये वैक्सीन, ये दवाइयाँ निकालना, जैसे कि मलेरिया वगैरह की दवाइयाँ बनाना, इन सब की दवाइयाँ बनाना, इन पर रिसर्च करना, ये रिसर्च करने वाली टीम है, और रिसर्च कौन करता है हमारे यहाँ, तो वो करता है ICMR। अब आप बोलेंगे सर ICMR क्या होता है, तो ICMR होता है इंडियन, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे, बिल्कुल याद रखिए फुल फॉर्म पे भी ध्यान रखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, देख रहा है मेडिकल रिसर्च, ये इंडियन काउंसिल है मेडिकल रिसर्च की। ठीक है, तो इसे कहते हैं ICMR। क्लियर, अब क्वेश्चन यही नहीं बन सकता, क्वेश्चन ये बनेगा, ये बन सकता है ICMR का ओरिजिनल नाम क्या था? अब ये लो साहब, पहले तो यही नहीं पता था कि बायोमेडिकल रिसर्च ये ICMR करता है, अब फिर ICMR का फुल फॉर्म नहीं पता था, अब आपने ICMR का ओरिजिनल नाम पूछ दिया कि पहले क्या था, तो बंदो पहले इसका नाम ICMR नहीं था, ये था IRFA। ठीक है, इसे 1911 में जब अब ये देखिए 1911 बोल रहा हूँ, मतलब तब हम आज़ाद नहीं थे, ब्रिटिश भारत था वो है ना, ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश इंडिया था वो, तो उनके टाइम पे ये बनाया गया था, और उस समय इसका नाम IRFA था।
ठीक है। और IRFA का मतलब क्या है? इंडियन, R का मतलब वही रिसर्च, F का मतलब यहाँ पे फंड है, और A का मतलब यहाँ पे एसोसिएशन है। यानी कि आज का जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो पहले का ब्रिटिश भारत का IRFA है, यानी कि इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, है ना। लेकिन आपको मालूम है कि 1949 है दोस्तों, है ना, आज़ादी के बाद हमने इसका नाम चेंज कर दिया, और 1949 में इसका नाम IRFA से हो गया ICMR। क्लियर है दोस्तों? बढ़िया। इसके हमारे पूरे भारत में 30 परमानेंट सेंटर हैं, आपको ध्यान रखना है ICMR के, है ना, 30 परमानेंट सेंटर हैं इसके, और इनका काम वही है TB और मलेरिया जैसी चीज़ों पर मेडिकल रिसर्च करते रहना, उन पर दवाई बनाते रहना, उनको और कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये सब काम करना, और एटसेट्रा बहुत सारी बीमारियों पर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन, अब क्योंकि मैं बात करता हूँ आपसे हर लेवल की, तो फिर से है ना क्वेश्चन जैसे CDS के एग्जाम्स में आ सकते हैं, या प्री में, या MPPSC के, उसमें ये आ सकता है कि ICMR, क्योंकि वो ये मान के चलेंगे कि आपको ICMR मालूम है, ठीक है। ICMR की काउंसिल यानी कि जो परिषद होती है के हेड कौन होते हैं, अब खतरनाक हो गया। तो याद रखिए दोस्तों, इसके हेड कौन होते हैं? इसके हेड होते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जो कि हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, समझ रहे हैं ना, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इसके हेड होते हैं, है ना, और इसके अध्यक्ष होते हैं वो, ICMR के अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ICMR संस्था किस मंत्रालय के तहत काम करती है, है ना। तो अब ये किस मंत्रालय के तहत काम करेगी भैया? इनका मंत्रालय का नाम भी नोट कर लीजिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, है ना, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर, ये मंत्रालय के अंडर में है, लेकिन इसके अध्यक्ष हमारे जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। क्लियर दोस्तों? ये ICMR था, आपको पूरी जानकारी मैंने दी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय औषध और होम्योपैथी, ये देखिए फिर से अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी डिफिकल्ट लगता है पढ़ने का, तो कईयों का मन ही नहीं होता होगा, अगर ये एग्जाम में आ जाए ना तो आप बढ़ जाओगे आगे बिल्कुल। भारतीय औषध, यहाँ देखिए, भारतीय औषध और होम्योपैथी, औषधि और होम्योपैथी के लिए किस आयोग की पुनर्स्थापना की जा रही है भैया? कौन से आयोग की स्थापना की गई है औषधि और होम्योपैथी के लिए भारत के? तो वो है फार्माकोपिया आयोग, बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, फार्माकोपिया आयोग बनाया गया है भारतीय औषध और होम्योपैथी के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है इस, अब देखिए कुछ बातें बताता हूँ, इस आयोग को दो केंद्रीय प्रयोगशालाओं को मिला करके जारी किया जा रहा है, मतलब दो केंद्रीय प्रयोगशालाएं हैं उन दोनों को मिला दिया जा रहा है, और उसी से हमने बनाया है फार्माकोपिया, जो कि है ना, जो कि है किसके लिए बना हुआ है? भारतीय औषध और होम्योपैथी। तो कौन सी दो प्रयोगशालाएं हैं वो देखिए सामने लिखी हुई हैं आपके नीचे, पहला फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन, और दूसरा है होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी। क्लियर है? कहने का मतलब दोनों में ही फार्माकोपिया लेबोरेटरी है, बस एक में पीछे की तरफ फॉर इंडियन मेडिसिन लिखा है और एक में आगे की तरफ होम्योपैथिक लिखा है, तो ईजी है ना, फार्माकोपिया लेबोरेटरी तो होगी तभी तो ये फार्माकोपिया आयोग बनेगा, बस एक में पीछे की तरफ ऑफ फॉर इंडियन मेडिसिन है और एक की तरफ होम्योपैथी है। क्लियर? आगे की तरफ चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला है ना, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति कौन है? तो आपको याद रखना है ये फिलिप न्यूसी हैं, ये मोजाम्बिक के हैं। अब मोजाम्बिक अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक देश आता है, ठीक है, इसमें जो है गैस वगैरह के लिए बहुत सारी चीज़ें, चलिए नेचुरल चीज़ें। अगला प्रश्न दोस्तों, ये मैंने यूं ही रखा हुआ है आपको सिर्फ जानने के लिए, क्योंकि ये अभी हाईलाइट थे तो इनको आपको ध्यान रखना है। सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के किन 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 दो अध्यादेशों को मंजूरी दी है? अगेन इम्पॉर्टेंट है ये, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सरकार ने कृषि क्षेत्र, देखो कृषि के क्षेत्र को सुधार करने के लिए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए, मालूम है ना, दो अध्यादेश को मंजूरी दी है, वो अध्यादेश कौन कौन से हैं? तो ये रहे वो दो अध्यादेश दोस्तों, एक है कृषि उपज व्यापार अध्यादेश 2020 और एक है वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश, है ना, ये दो अध्यादेश हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, किस यान के द्वारा नासा के दो साइंटिस्ट को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र, है ना, जो बाहर है, है ना, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, है ना, उसमें पहुंचाया गया है, किस यान के द्वारा पहुंचाया गया? तो आपको मालूम है अभी इलॉन मस्क की कंपनी है SpaceX, उसके CEO इलॉन मस्क हैं, इन्होंने अभी अभी अपने ड्रैगन यान से, है ना, इन दो साइंटिस्ट को नासा के सीधे पहुंचा दिया अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में। ये बात क्लियर हुई दोस्तों, है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसे ये अमेरिका में हुआ था, आप सबको पता ही ये बात, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किन चार नए देशों को G7 में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया है? देखिए चार नए, कईयों ने सुना भी होगा कि इंडिया 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 आपका चल रहा है, आपको सिर्फ इंडिया ध्यान नहीं रखना है दोस्तों, जब आप तैयारी करते हैं ना तो जो दिखाया जाए सिर्फ उसी पर ध्यान मत रखिए, थोड़ा सा आगे पीछे भी देखते रहिए,
दिखाने वाली चीज़ें ही ज़्यादातर गायब हो जाती हैं, समझ गए। तो आपको मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप ने किन चार नए देशों को आमंत्रित किया है? सिर्फ इंडिया को ही आमंत्रित नहीं किया है, उन्होंने रशिया को आमंत्रित किया, ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया, साउथ कोरिया को आमंत्रित किया और इंडिया को आमंत्रित किया है। ये वो चार कंट्री है। देखिए रशिया तो इसमें पहले से ही था। अब आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा सर G7 और G8 में अंतर क्या है। ये जो G7 आप देख रहे हो ना, यही पहले G8 था, अब वही G7 हो गया। तो ये 8 से 7 होने का मतलब एक कंट्री गायब हुई होगी। तो कौन सी कंट्री गायब हो गई थी? वो रशिया थी, है ना। 2014 की बात है दोस्तों, 2014 में रशिया ने क्रीमिया, है ना, उसी के पड़ोस में पड़ता है वो, क्रीमिया पर आक्रमण कर दिया था। उसको लेकर के G8 में जो बाकी 7 लोग थे वो इनसे नाराज़ हो गए थे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर रशिया ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, वहाँ से हटा लिया था, और अब उन्हें वापस से आमंत्रित किया गया है। क्लियर है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। तो है ना, और बस इतना ही काफ़ी है इसमें। तो G7 और G8 ये अंतर है, ठीक है। तो अब जैसे ही 7 था तो 4 मिला रहे हो, तो अब ये क्या बन जाएगा? G11। तो आपने सुना भी होगा और आप बहुत जगह देख भी रहे हो, बिल्कुल धड़ाधड़ लगा हुआ है G11। आपको जो याद रखना था वो मैंने बता दिया आपको, और क्या याद रखना है वो सुन लीजिए कि G7 में कभी पूछा जाता कितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो 4 यूरोपियन कंट्रीज अकेले हैं। सोचो ज़रा, यूरोप के अकेले ही 4 कंट्रीज इसमें आ गए भैया। कौन कौन से? फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन। क्लियर है दोस्तों, है ना। और बाकी नाम तो याद रखिए कि G7 में ओरिजिनल कौन है अभी? अमेरिका, उसके ऊपर आने वाला कनाडा, फिर यूरोप के ये देश 4, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन, और एक अपना जापान, ठीक है। और अब कौन कौन आ रहे हैं? अब इसमें रशिया भी आ रहा है, अब इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है, अब इसमें इंडिया भी आ रहा है और साउथ कोरिया भी आ रहा है। तो ये भी आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा G11। क्लियर है दोस्तों, चलिए बढ़िया। अगला है ना, हाल ही में दिवंगत हुए बसु चटर्जी, ये देखिए मैंने अभी आपसे नाम कहा था, तो याद रखिए बैनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी, ठीक है। बैनर्जी फुटबॉलर, चटर्जी कौन है भैया, ये पूछा गया ना किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो ये हैं फिल्म निर्माता। तो चटर्जी साहब फिल्म निर्माता हैं, बैनर्जी साहब फुटबॉलर हैं, है ना, फर्स्ट आइकन जिन्हें कहा जाता है आपको पता है। मुखर्जी कोलकाता जो पोर्ट था उसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाता है। तो बस इतना याद रखिए कि इनका निधन हो गया है, तो ये फुटबॉलर का भी निधन हो गया, है ना, वो हमारे बैनर्जी साहब, चटर्जी साहब का भी निधन हो गया, और ये निर्माता निर्देशक थे, काफ़ी बड़े थे, इसलिए आपको ध्यान रखना है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेज, तो मैंने आपसे कहा 31 मई से अपन ने यहाँ पर करंट अफेयर लिया, तो 31 मई से जितना है सब कुछ देख लीजिए। 31 मई को क्या मनाते हैं अपन? विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, ठीक। फिर आता है 1 जून, 1 जून को क्या मनाते हैं? 1 जून को मनाया जाता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। ये देखिए भैया, माता पिताओं का भी विश्व दिवस होता है, है ना पेरेंट्स का ग्लोबल डे है ये। तो ये कब से सेलिब्रेट हुआ? मेन ये हो जाएगा, तो UN ने इसे सेलिब्रेट किया है और 2012 में पहली बार किया था और वहीं से इसकी स्टार्टिंग हुई है, है ना। 1 से चले जाओ 3 जून पे, ठीक है। तो पेरेंट्स, ग्लोबल पेरेंट्स डे था, अब पेरेंट्स जो हैं वो बाइसिकल चलाएंगे इसीलिए बन गया, ठीक, है ना। माता पिता एक होते हैं इसीलिए 1 जून, है ना, माता पिता एक ही हैं हमारे, एक ही बात होती है, ठीक है। अब ये आ गए भैया बाइसिकल चला दी, ये रही, तो ये 3 लोगों ने बाइसिकल चलाई, ठीक। और ये कब से चलाना शुरू हुआ भैया? UN ने कहा है कि 2018 से स्टार्ट करेंगे हम बाइसिकल चलाना, मतलब 2018 में पहली बार मनाया था, ठीक। फिर एक के बाद आ गया 5 जून, 5 जून को भाई अब साइकिल चला करके आपने देश बचा लिया, तो 5 जून को आपने क्या कर दिया? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे घोषित कर दिया भाई। 2 दिन तक साइकिल चलाते रहे, पेट्रोल निकला नहीं, तो वर्ल्ड सेफ हो गया, तो मना दिया तुमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। क्लियर हो गया दोस्तों, चलिए अगला। और ये याद रखिए, इसको सबसे पहले मनाया था अमन ने 1974 में, तो ये वहीं से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और वो ये है कि इन्वेस्टमेंट 5i, आपने देखा ना मोदी जी ने 5i दिए थे, इन्वेस्टमेंट 5i में कौन से नंबर पर आता है? ये देखिए काफ़ी खतरनाक हो गया। अब बात है कि ये तो सारे के सारे आई हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा आई होगा, सेकंड पोजीशन पे कौन सा आई होगा, थर्ड पे कौन सा होगा, फोर्थ पे कौन सा होगा, फिफ्थ पे कौन सा होगा। तो फर्स्ट पोजीशन का जो आई है उसे कहते हैं इंटेंट, दूसरा आई है उसे कहते हैं इंक्लूजन, तीसरा आई है उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट, और यही आपका आंसर है। थर्ड नंबर में आता है इन्वेस्टमेंट, चौथे नंबर पे आता है इंफ्रास्ट्रक्चर वाला आई, और पांचवें नंबर पे आता है इनोवेशन वाला आई, ठीक है। हिंदी में देखना तो हिंदी में देख लीजिए, इंटेंट का मतलब इरादा होता है, इंक्लूजन का मतलब समावेशन यानी सबको लेके चलना। तो इरादा रखिए पहले, तभी तो आप सबको लेकर के चल पाएंगे, है ना। इन्वेस्टमेंट यानी निवेश हम मंगाएंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा अपना स्ट्रांग करेंगे, और नवोन्मेष यानी कि क्रिएटिविटी लाएंगे, समझ गए ना। क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है, क्रिएटिविटी नहीं होगी तो दूसरे की कॉपीराइट करते रह जाओगे, समझ पा रहे हो आप बात, ये रहा, इसलिए नवोन्मेष भी रखा गया है। कॉपीराइट में पैसे बहुत देने पड़ जाते हैं हमें दूसरे देशों को। मान लो कि हम कोई मेडिसिन बना रहे हैं और वो मेडिसिन किसी और ने बनाई हुई है, किसी और विदेशी ने,
और हम अगर वही बनाने लेंगे तो हमें उससे बनाने से पहले कॉपीराइट लेना पड़ेगा, कॉपीराइट में बहुत सारा हिस्सा पैसे का देना पड़ता है। इसीलिए मोदी जी ने ये 5 I दिए कि भैया ये करो, इरादा रखो, सबको ले करके चलो, जितने भी ज्ञानी लोग हैं उन्हें इकट्ठा करने की टीम बनाने की आदत डालिए, इन्वेस्टमेंट मंगाइए, डरिए मत, इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा जब स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर इनोवेशन पर ध्यान दीजिए, इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। क्लियर है दोस्तों? तो होप सो दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे है ना अपन 10 जून को, तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। तब तक के लिए दोस्तों आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।